संज्ञाओं के संदर्भ में बहुत सारी बातें हमको जानने की जरूरत है अभी तक जो हमने जाना वो संज्ञाओं का वर्गीकरण द टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड ऑल्सो द वे दो टाइप्स आर क्रिएटेड वी हैव अंडरस्टूड हैविंग अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड ऑल्सो Having done lot of examples, now let's come to another part of it, and that is how to make feminine words out of those nouns. Is there a standard rule? Yeah, or it is just like that, anything that strikes the mind. ए वर्ड कैन बी मेड ए फर्ड नो देर आर सर्टन रूल्स बट दो रूल्स आर ऑल्सो क्वाइट मैनी कई नियम है उसके कि किसी शब्द को फैमिनिन किसी शब्द को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए कि स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किन तरीकों से स्त्रीलिंग बनाया जाता है क्या क्या उसमें हम जिसको कह सकते हैं एक तरीके से नियम या गाइडलाइन फॉलो होती हैं एंड दे आर नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल बिकॉज फॉर एवरी रूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब देयर मे बी सम एक्सेप्शंस कुछ अपवाद भी होंगे जो उससे बाहर हैं और यही अपवाद अंग्रेजी की खासियत है सो लेट्स मूव टू हाउ टू मेक दीज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूल्स बेसिकली दैट गवर्न प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन मैस्किन नाउन वर्ड इन टू feminine वर्ड थ्री टाइप्स फर्स्ट इज पूर्णतः भिन्न शब्दों के प्रयोग पहला क्या है ऐसा जिसमें शब्द पूरा बदल जाता है यानी देर इज नो कनेक्शन यू विल फाइंड बिटवीन द ओरिजिनल वर्ड एंड इट्स फेमिनिन कोई उसमें संबंध आपको नहीं दिखेगा बिल्कुल नया शब्द दिखेगा तो एक नियम तो ये है कि आप बहुत से शब्द ऐसे पाएंगे जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं फेमिनिन होने पर और मूल शब्द से मैस्कुलिन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं रहता नहीं दिखता तो लेट्स सी सम ऑफ दोज वर्ड्स फॉर एग्जांपल यदि मैं मैस्कुलिन की सीरीज बनाऊं सो यू हैव बैचलर यू हैव बॉय राइट Bachelor, where boy, we're brother, then uh, bull, then bullock, cock, cock. Ke dog, after dog, we have drone, drone. Then father, then gentleman. Right? As say or horse, husband, king, then uh, you have lord, man, nephew, papa, and uh, then you can say, sir. सन अंकल काफी ये जो शब्द मैंने लिए हैं ये अपने डे टू डे लाइफ से आसपास से क्योंकि इन्हीं को अपने को ज्यादा प्रयोग करना है और इनका फैमिलिन जानना है और सौभाग्य से यू माइट बी नोइंग मोस्ट ऑफ दी फैमिलिन या स्त्रीलिंग वर्ड ऑफ दिस आप बहुत सारे इनके फैमिलिन वर्ड आपको वैसे ही मालूम होंगे लेकिन फिर भी एक क्विक लुक हम देख लें बॉय का लड़का लड़की गर्ल बैचलर जो पहला शब्द है बैचलर मतलब होता है अनमैरिड बॉय ख्याल रखेंगे बैचलर मतलब होता है अनमैरिड बॉय अब अनमैरिड गर्ल को क्या कहते हैं अनमैरिड गर्ल इज नोन एज इज कॉल्ड स्पिंसटर एस पी आई एन एस टी आर मैनी मैनी गर्ल्स प्रिफर टू रिमेन अनमैरिड ट ऑफिस हैज मैनी स्पिंस्टर्स वर्किंग दैट ऑफिस हैज मैनी स्पिस्टर्स वर्किंग देयर उस ऑफिस में बहुत सारी ऐसी अनमेरिड लड़कियां हैं जो कार्य कर रही हैं जो नौकरी कर रही है सो स्पिंस्टर याद रखेंगे ये बैचलर का उल्टा है और बैचलर मतलब अनमैरिड हमें से बहुत लोग बैचलर को लड़कियों के लिए भी उपयोग करते हैं पर वो गलत है बैचलर इज फॉर मेल मैस्कुलिन राइट बॉय गर्ल यू नो ब्रदर सिस्टर यूनोइट भाई बहन बुलक बुल का होता है काउ बुल चांद और काउ गाय लेकिन बुलक का होता है ही फर बुलक बैल उसका स्त्रीलिंग होता है ही फर एचई एफ ई आर इट्स न्यू वर्ड फॉर यू तो इसको याद रखेंगे ही फॉर कॉक का क्या होता है मुर्गा कॉक यानी मुर्गा ओ सी के कॉक कॉक यानी मुर्गा और मुर्गी को क्या बोलते हैं मुर्गी को कहते हैं हैन हम लोग क्या करते हैं सभी को हैन बोल देते हैं बिना ये जाने कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो मेल है कि फीमेल है हम सबको हैन बोल देते हैं जो गलत है उसमें से कई मुर्गा रहते हैं विच आर कॉल्ड कॉक एंड राइट? नेक्स्ट वर्ड जो हमने कहा था वो है डॉग डॉग का फीमेल क्या होता है डॉग का फीमेल होता है बिच बी आई टी सी एच कुत्ता और कुतिया, डॉग एंड बिच नेक्स्ट इज ड्रोन ड्रोन का फैमिनिन है बी मधुमक्खी ड्रोन का फैमिनिन है बी मधुमक्खी जो मेल मधुमक्खी होती है उसे ड्रोन कहते हैं और जो फीमेल होती है उसे मधुमक्खी उसे उसे बी कहते हैं और ड्रोन शब्द वहीं से आया है जिसका उपयोग किस लिए होता है एक आजकल जो पायलट लेस छोटे छोटे विमान बन रहे हैं स्मॉल साइज के जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे कामों के लिए जिसका उपयोग हो रहा है यू मस्ट मर्ड अबाउट द ड्रोन ड्रोन का ऑपोजिट है सेक्स में ड्रोन uh, का ऑपोजिट है बी नेक्स्ट इज फादर यू नो मदर देर आफ्ट जेंटल मैन जेंटल मैन का उल्टा जेंटल वूमन गलत है जेंटल मैन का फेमिनिन है लेडी आई सी ए लेडी कमिंग एंड आई सी ए जेंटलमैन कमिंग सभ्य पुरुष जेंटलमैन सभ्य पुरुष एक सामान्य सभ्य पुरुष आई सी ए जेंटलमैन कमिंग टू मी एंड आई सी ए लेडी कमिंग टू मी हॉर्स का फैमिलिन क्या होता है घोड़ा घोड़ी घोड़ी को कहते हैं मेयर एम ए आर ई मेयर यानी घोड़ी राइट हजबेंड आप जानते हैं वाइफ किंग आप जानते हैं क्वीन लॉर्ड का भी लेडी कहलाता है लॉर्ड यानी भगवान नहीं लॉर्ड यानी एक पुरुष के लिए यूज़ करते हैं लेडी मैन का आप जानते हैं फेमिनिन वूमन। नेफ्यू शब्द जो है ये भी एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग सामान्यतया दोनों उसमें यूज़ कर लेते हैं लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी लेकिन ऐसा नहीं है नेफ्यू और उसका फेमिनिन है नीस एन आई ई -E सी ई -E, नीस नीस यानी भतीजी नेफ्यू माने भतीजा सो so, नेफ्यू और नीस राइट नीस को याद रखेंगे क्योंकि इसमें हम बहुत गलतियां करते हैं हेन नीस स्पिंस्टर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके लिए हम जिसको हम कई बार गलतियां कर देते हैं और उसको एक कॉमन तरीके से यूज करते हैं सर का होता है मैडम यूनोइट you know पापा का होता है मम्मा सन का फेमिनिन है डॉट सन का फेमिनिन है डॉटर और उसके बाद अंकल का फेमिनिन है आंट आंटी नहीं अंकल का फेमिनिन अंग्रेजी में क्या है आंट ए यू एन टी आंट इज द फेमिनिन ऑफ अंकल राइट तो दीज आर सम वर्ड्स ऑफ सच टाइप वेयर वी फाइंड द वर्ड बिकमिंग वर्ड्स आर टोटली न्यू उनका कोई संबंध नहीं है तो ये पहले नियम में तो ऐसे हैं बहुत सारे शब्द जिनका कोई इस ढंग का नियम नहीं है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन होते समय कैसा बनना है वो बिल्कुल नया रूप ले लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर या हम अब सिलेबस सिलेबल जा, जाने कि क्या है सिलेबल एस वाई डबल एल ए बी एल ई -E, सिलेबल ये सिलेबस नहीं है मैं सिलेबल की बात कर रहा हूँ सिलेबल का हिंदी में अनुवाद है शब्दांश शब्दांश दो शब्दों से बना है शब्द और अंश यानी किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं सिलेबल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे बार बार कि एक सिलेबल वर्ड का क्या मायने हैं एडजेक्टिव में दो सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं एडजेक्टिव में तीन सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं पार्ट ऑफ स्पीच में सो so, ये जानना जरूरी है वॉट इज ए सिलेबल ए सिलेबल इज ए शब्दांश जैसे मैंने कहा यदि मैं शब्दांश की बात करूँ तो आप समझ जाइए कि एन अन इंटरप्टेड सेगमेंट ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ ए वॉवेल साउंड ए वॉवेल साउंड जिसमें वॉवेल साउंड एक ही बारा है, वो एक सिलेबल वर्ड कहलाएगा ध्यान रखिए वॉवेल साउंड जिसमें एक ही बारा है, उदाहरण के लिए मैट कैट कै मै एक ही बार वॉवेल साउंड आ रहा है उसे हम वन सिलेबल वर्ब कहते हैं वन सिलेबल वर्ड कहते हैं राइट विथ और विदाउट प्रोसीडिंग और फॉलोइंग कॉन्स्टेंट आई ये एक सिलेबल वर्ड है स्टाई एक्ट शुड वन सिलेबल वर्ड दे आर वन सिलेबल वर्ड शब्दांश जिसमें एक ही बार आता चार सिलेबल क्या होता है फोर सिलेबल वर्ड वैसे तो अंग्रेजी में छह टाइप के सिलेबल हैं सिलेबल आर ऑफ सिक्स टाइप्स बट वी डोंट टू गो इनटू मच डिटेल्स हमको केवल इतना ख्याल रखना है कि सिलेबल की बात करें तो सिलेबल का संबंध वॉवेल से है सिलेबल शब्दांश है पहली बात और उसका संबंध वॉवेल से है जब वॉवेल का उच्चारण एक बार है तो एक सिलेबल दो बार है किसी एक शब्द में तो दो सिलेबल तीन बार है किसी एक शब्द में तो तीन सिलेबल चार बार है किसी एक शब्द में तो चार सिलेबल चार बार क्या चार बार वॉवेल का उच्चारण उसमें आ रहा हो तो उदाहरण के लिए चार बार वॉवेल का उच्चारण किस में होता है आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई शब्द में चार बार हो बहुत होता है ए बी ली टी ए बी आई एल आई टी वाई चार बार हो रहा है ए बी ली टी एबी लिटी चार बार ए बी ली टी चार बार बोला गया डेफीनिशन चार बार बोला गया डेमोक्रेसी चार बार इसमें वॉवल आ रहा है एक्ोमोडेट चार बार आ रहा है एक्ोमोडेट चार बार आ रहा है डेलीगेशन फोर टाइम्स डायग्नोसिस फोर टाइम्स तो दीज़ आर फोर सिलेबल वर्ड्स अब आप समझ गए सिलेबल क्या होता सिलेबल शब्दांश जिसमें एक वॉवल हो तो एक सिलेबल और उस वॉवल का उच्चारण एक बार हो एक वॉवल हो ही नहीं एक वॉवल से उच्चारण एक ही बार आया उस शब्द का उच्चारण एक ही बार हो वावल का उसमें वॉवल साउंड जो है वॉवल साउंड वो एक ही बारह है जैसे मैंने बताया ए बी ली टी डेफीनिशन डेमोक्रेसी जब सिलेबल की बात होती है तो शब्दांश तो है ही इसके अलावा हम कह सकते हैं छोटी इकाई छोटी इकाई से मेरा तात्पर्य है एक वॉवल पर आके एक वॉवल के उच्चारण पर आकर शब्द खत्म हो जाता जैसे डेफिनेशन में डे खत्म शन शन देखिए एक साथ बोला गया आज उसमें आया, तो इस प्रकार ये चार वॉवल हुए चार वॉवल उच्चारण आए चार वॉवल उच्चारण आए इसलिए चार सिलेबल हुआ तो इसकी कितनी इकाइया हुई चार इकाइया हुई चार इकाइयाँ हुई शब्दों की छोटी इकाई तो वो चार सिलेबल कहलाया ऐसे तीन सिलेबल वर्ड हैं ऐसे दो सिलेबल वर्ड हैं यदि मैं सिलेबल की परिभाषा की बात करूं, ए सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड फिर से देख लीजिए ये बोल्ड में लिखा हुआ है ए सिलेबल इज ए सिंगल ए सिलेबल यदि एक सिलेबल की बात कर रहे हैं तो ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड रिटर्न भी हो सकता है बट उच्चारण से स्पष्ट होता है कि वो एक का है कि दो का के तो आई डिफाइन अगेन ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड सिलेबल्स जो हैं दे यूजुअली कंटेन ए वॉवेल एंड ए कंपनी कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेट के साथ जुड़े रहते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स यू हेयर ए वॉवल इन ए वर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू हीयर ए वॉवल ये सेंटेंस को देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स यू हीयर ए वॉवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेबल्स ए वर्ड हैजनी बार आप वॉवल की आवाज सुनेंगे एक शब्द में उस शब्द में उतने सिलेबल हैं जितनी बार एक वॉवेल की आवाज़ सुनेंगे वॉवेल क्या हैं ए ई आई ओ और यू ये पांच वॉवेल होते हैं अंग्रेजी में और बाकी सारे अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं तो यदि इन पांच आवाज़ों में से कोई सी भी आवाज़ आप पांच बार सुनते हैं किसी वाक्य में या किसी शब्द में तो वो पांच सिलेबल का शब्द है यदि इन पांच वॉवल्स में से कोई सी भी आवाज वॉवल की आवाज आप एक बार सुनते हैं तो वन सिलेबल दो बार सुनते हैं तो दो सिलेबल तीन बार सुनते हैं तो तीन सिलेबल एटसेट्रा सो वी कैन डिफाइन इट अगेन सिलेबल्स ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड टू सिलेबल इज ए डबल अनब्रोकन साउंड थ्री सिलेबल इज ए ट्रिपल अनब्रोकन साउंड एट्सेट्रा एटसेट्रा फाइव सिलेबल वर्ड इज ए फाइव टाइम्स अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड पाँच बार वो अलग अलग साउंड आता है पाँच सिलेबल में पाँच बार ब्रेक होता है लेकिन हर बार अनब्रोकन एक एक रहता एम आई क्लियर नाउ वी कम टू द सेकेंड वन संज्ञा में मैस्कुलिन वर्ड को फैमिनिन बनाने के लिए तीन नियमों में से पहला नियम हमने देखा कि वो उसका कोई नियम नहीं है समझ लीजिए यही कहना होगा नए शब्द ही हैं वो लेकिन दूसरा एक नियम है दूसरी श्रेणी जो है द सेकेंड कैटेगरी इज हैज ए लॉ एज ए रूल और रूल क्या है सिलेबल सिलेबल मैने एक अक्षर ए लेटर एक सिलेबल को हम उसमें जोड़ देते हैं जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ शब्द आपको पहले बताता हूं कि क्या होता है कैसे एक सिलेबल को जोड़ते हैं ऑथर ऑथर यानी लेखक ऑथर के बाद यदि हम अगला शब्द पढ़ें तो एयर एच ई -E आई आर एयर यानी उत्तराधिकारी ऑथर यानी लेखक द ऑथर ऑफ दिस बुक इज एच सी वर्मा द ऑथर ऑफ दैट बुक

इज़ माई मदर द एयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ माई फादर इज माई मदर मेरे पिताजी की संपत्ति के उत्तराधिकार मेरी माँ है एयर लेकिन ये वाक्य यहाँ गलत हुआ क्योंकि यदि महिला हैं तो वो एरेस होंगी द एरेस्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ माई फादर इज माई मदर द मोमेंट माई आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर एज एज उत्तराधिकारी इट बिकम्स ए रिस क्या बनता है एच ई आई आर ई डबल एस ऑथर क्या बना ऑथरिस देखिए कैसे आर ई डबल एस हो जाता है ए यू टी एच ओ आर ए यू टी एच ओ आर ई डबल एस ऑथर ऑथरिस लेखिका ए आर ए रिस आर ई डबल एस ए रिस सिमिलरली लायन लायन मतलब सिंह लायन माने सिंह एल आई ओ एन लायन लायन यानी उच्चारण देखिए लायन बोलते हैं उसको कई लोग लॉयन बोलते हैं वो गलत है ये लायन है और लायन का फेमिनिन है लायनेस एल आई ओ एन ई -E डबल एस लायनेस क्या है लायनिस लॉयन लाएन मतलब होता है कुछ और लॉयन मतलब होता है कमर क्या होता है लॉयन माने कमर और उसकी स्पेलिंग है एल ओ आई एन मैं बात कर रहा हूं एल आई ओ एन लायन जिसका अर्थ है सिंह राइट सो वी हैव मैनेजर का जो स्त्रीलिंग है वो मैनेजरिस क्या होता है मैनेजरिस तो so इस प्रकार आर ई डबल एस या ई e डबल एस लगाकर हम शब्दों को फैमिनिन कर देते हैं और शब्द देखिए पोएट पोएट यानी आपको मालूम है कवि रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर द पोएट वन नोबल प्राइज तो पोएट मतलब कवि और पोएटिस यानी कवियत्री पोएटिस कैन यू नेम मी वन फेमस पोएटिस ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली इंग्लिश राइटिंग अंग्रेजी में भारत की कोई प्रसिद्ध लेखिका कवियत्री श्रीमती सरोजनी नायडू श्रीमती सरोजनी नायडू हु प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो शी पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन फ्रीडम मूवमेंट एंड शी वॉज ऑल्सो ए ग्रेट राइटर इंग्लिश पोएट्री सो वी हैव पोएट पोएटिस प्रिंस प्रिंस का क्या होता है प्रिंस का होता है प्रिंसेस क्या होता है प्रिंस का होता है प्रिंसेस ऐसे ही एक शब्द और ले लें प्रोप्रीस्ट प्रिस्ट यानी पुजारी प्रिस्ट यानी पुजारी आपको मालूम होना चाहिए पी आर आई एस -E टी प्रिस्ट यानी पुजारी और उसका अंग्रेजी में होता है प्रिस्टेस पी आर आई एस टी ई डबल एस कई मंदिरों में पुजारी नहीं होती हैं इनफैक्ट भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जहां केवल महिलाओं का ही वर्चस्व है महिलाओं के द्वारा ही संचालित है ऐसे मंदिरों में जो पुजारी नहीं रहती हैं वे क्या कहलाती हैं प्रीस्टिस सो ये हुआ एक अक्षर जोड़कर कैसे बनता है ऑथर ऑथरिस ए यू टी एच ओ आर ई डबल एस एक सिलेबल जोड़ के सिलेबल, राइट right? अक्षर से अर्थ यहाँ पे है सिलेबल से सो ऑथर ऑथरिस राइट उसके बाद हमने देखा एयर लायन, एयरिसनेस पोएट पोएटिस प्रीस्ट प्रीस्टिस प्रोफिट प्रॉफिटिस शब्द को आप बच सकते हैं क्योंकि आज ये पोस्ट नहीं है इसलिए ये बोल चाल में शब्द हमारे काम का नहीं आएगा तो बाकी जो शब्द आप देखे तो आपने देखा कि एक नियम मैस्कुलिन से फैमिनिन बनाने का है सिलेबल को बदल दो एक सिलेबल जोड़ दो सिलेबल क्या होता है एक अक्षर तो नहीं कहना चाहिए एक शब्द का एक उच्चारण में आने वाला एक अक्षर उच्चारण में आने वाला एक अक्षर ये ख्याल रहे कि मैस्कुलिन नाउन के अंतिम सर जो वॉवल है उसको हटाकर लगाया जाता है इस बात का ख्याल रखें जो मैस्कुलिन नाउन है उसमें अंतिम स्वर जो अंतिम वाविल है अंतिम वॉवेल है वॉवल को हटाकर इसे लगाते हैं और देखिए एक्टर एक्टर का क्या बना एक्ट्रेस एक्टर का क्या बना एक्ट्रेस, एक्टर क्या बना? एक्ट्रेस। आफ्टर एक्टर एक्ट्रेस वी कैन ऑल्सो लर्न फ्यू मोड वर्ड वेयर लाइक वाइज जिसमें हम देखते हैं टाइगर टाइगर मैस्कुलिन वर्ड है उसका फैमिलिन होता है टाइग्रेस टी आई जी आर ई डबल टाइग्रेस टाइगर का क्या हुआ टाइग्रेस सिमिलरली मर्डर जिसने किया हो उसे हम क्या कहते हैं मर्डरर जिसने हत्या की हो जिसने मार डाला हो उसे हम कहते हैं मर्डरर लेकिन लेडी मर्डरर को क्या कहते हैं मर्ड्रेस ये अलग है सामान्यतः लेकिन अब बोल चाल में हम मर्डरर ही उसका यूज़ कर रहे हैं बट अदरवाइज ग्रामर की दृष्टि से मर्डरर का फैमिनिन है मर्ड्रेस एक शब्द आप सुने हो जब होटल जाते हैं हम और आप तो कई होटलों में महिलाएं सर्विस देती हैं महिलाएं मेनू लाती हैं बिल लाती हैं हमको परोसती हैं दे सर्वस दे ब्रिंग द मेनू कार्ड दे ले थिंग्स ऑन द टेबल दे सर्वस द फूड दी लेडीज आर कॉल्ड वॉट द जेंट्स आर कॉल्ड वेटर जो मेल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं वेटर हम लोग बहुत सामान्य भाषा में बोलते हैं वेटर को बुला लो लेकिन यदि महिला है तो उसे कहते हैं वेट्रेस महिला को क्या कहते हैं वेट्रेस ट्रिस डब्ल्यू ए आई टी आर ई डबल एस वेट्रेस राइट सो इस प्रकार वी हैव फ्यू वर्ड्स वेयर यू ऐड द सिलेबल एंड इट बिकम्स फेमिनिन कई बार क्या होता है मतलब ये इन द नॉर्मल प्रैक्टिस वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिकम फेमिनिन By e ई s by adding e डबल s but there are few other words which have different types. यदि हम ई डबल एस को सफिक्स कर देते हैं यह सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है सफिक्स करना यानी बाद में लगाना प्रीफिक्स करना यानी पहले लगाना ई डबल एस को हम बाद में लगा दें तो बहुत सारे शब्द फैमिनिन हो जाते हैं लेकिन कौन किस शब्दों में लगाए जाए इसका कोई नियम नहीं है वो आपको अभ्यास से आपको सतत अध्ययन से आपको आएगा किसमें लगाया जाए इसका कोई नियम नहीं है आपको अभ्यास उससे आएगा लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि बहुत से शब्द जिसका अंत आर से होता है से होता है आर आपने देखा होगा जितने भी शब्द थे अधिकतर वो आर से समाप्त हो रहे थे टाइगर मर्डरर उसके बाद फाउंडर हंटर एम्पेर 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 शब्द मतलब सम्राट और एम्प्रेस मतलब साम्राज्ञी एम्पेर मतलब सम्राट और एम्प्रेस मने साम्राज्ञी साम्राज्ञी मतलब महिला जो साम्राज्य पर शासन चला रही है भारत में कौन सी थी ऐसी साम्राज्ञी जिसने सल्तनत काल में शासन किया थोड़ा ये आप पता लगाएं ऐसी साम्राज्ञी जिसने भारत में भारत में शासन किया भले ही कुछ समय के लिए लेकिन वो कौन थी और उत्तर भी आपको बता ही देता हूँ रजिया बेगम रजिया बेगम जो सल्तनत काल में सुल्तान वंश में जिसने शासन किया और बड़ी कठोरता से शासन किया यद्यपि उसका काल बड़े कम समय का है लेकिन इसको क्या कहेंगे साम्राज्ञी साम्राज्ञी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे एम्प्रेस सो so, आर से जो शब्द समाप्त होते हैं आर से जो संज्ञा समाप्त होती हैं उसमें आप कोशिश कर सकते हैं ई डबल एस लगा के उसे फैम, फैमिनिन बनाने के एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल टर्न आउट टू बी राइट तो एक नियम आप ये समझ सकते हो राइट right? अब पुलिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग बनाने के लिए सफिक्स तो लगाना हमने देखा यही एक ऐसा प्रयोग है जिसे हम नई स्त्रीलिंग संज्ञा बनाने में हम करते हैं अब हम आते हैं दूसरे पर हीरो हीरो मतलब हीरो जिस हम फिल्म का हीरो या फुटबॉल में मेरा हीरो रोनाल्डो है फुटबॉल में मेरा हीरो मैराडोना uh, है फुटबॉल में मेरा हीरो मेसी है सो so, हीरो का फैमिनिन है हीरोइन आई एन ई हीरोइन हीरो का फैमिनिन है हीरोइन फॉक्स का फैमिनिन है वाइक्सन वी आई एक्स ई एन ये कुछ अलग तरीके पहले या बाद के शब्द को हम बदल दें तो कैसे वो फैमिनिन बन जाता है कोई सा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर जुड़कर बना हो और वो मैस्कुलिन हो कोई सा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो और मैस्कुलिन हो उसमें पहले वाले शब्द को या बाद वाले शब्द को बदल के हम फैमिनिन बना देते हैं कई बार एक नियम ये भी है मोटा मोटा इन अदर वर्ड

तो so, क्या हो जाएगा ग्रेट आंट ऐसे ही मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट मेड यानी काम करने वाली बाई काम करने वाली महिला उसे मेड कहते हैं तो मेड सर्वेंट और मैन सर्वेंट लैंड लॉर्ड दो शब्दों से बना है लैंड और लॉर्ड एक शब्द को बदल दीजिए तो फैमिलिन हो जाता है लॉर्ड का मैंने क्या बताया था आपको लेडी सो यू हैव लैंड लेडी अंकल का मैंने क्या बताया था आपको आंट सो ग्रैंड आंट दादी ग्रैंड आंट मैंने दादी नानी वृद्ध बहुत वृद्ध अंकल बहुत वृद्ध महिला उसे हम ग्रैंड आंट ग्रैंड अंकल कहते हैं सिमिलरली मिल्कमैन दूध लाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा मिल्क मैन और महिला क्या कहलाएगी मिल्क वुमन मिल्क वुमन एक शब्द यहां देखते तो ये वो ये वो उदाहरण है जिसमें जो ऐसी संज्ञाएं जिसमें दो शब्द हैं मिल्क भी है मैन भी है ग्रैंड भी है फादर भी है ग्रेट भी है अंकल भी है और शब्द क्या है पीकॉक पी कॉक सीओ सी के पी कॉक मैने मोर और पी हैन यानी मोरनी कॉक के बदले हैन जो आपने पहले ही समझ लिया है कि कॉक का है हैन है। सेल्समैन बेचने वाला और बेचने वाली सेल्स वूमन वॉशर मैन वॉशर वूमन यानि धोबी कपड़ा धोने वाला धोने वाला प्रेस करने वाले को क्या बोलते हैं धोबी को वाशर मैन वाशर मैन और वाशर वूमन सेल्स मैन सेल्स वूमन मिल्क मैन मिल्क वूमन तो वी हियर वी हैव अनदर सेट अनदर रूल वेयर इफ द वर्ड्स आर जॉइन टुगेदर, देर आर टू वर्ड्स दैट मेक ए सिंगल वर्ड देन यू चेंज आइदर ऑफ द टू दो में से किसी एक को चेंज करना होता है तो उससे वो जेंडर उसका बदल जाता है और वो फेमिनिन जेंडर हो जाता